हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश क्लास में। और आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं आपकी मैरी गोल्ड का ये चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो। इस चैप्टर में आपको एक बड़ी एक विचित्र एक व्यक्ति से आपको मिलाते हैं जो एक पैरों के निशान को देखकर डर जाता है, और इतना डर जाता है कि वो जब अपने मतलब कि उसको वापस भाग रहा होता है अपने घर के लिए, अपनी गुफा के लिए, तो मतलब वो झाड़ियों से भी डर रहा था। तो देखिए उसके साथ क्या होता है, क्या सचमुच में वो जो पैर था किसी भूत का था, तो पता करते हैं इस चैप्टर से। तो आइए चैप्टर में चलते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट, जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, तो आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ एक व्यक्ति के मतलब कि फुट के जो पैर के निशान थे वो उस रेत पर थे। आई स्टूड अमेज्ड, मैं वहाँ आश्चर्य में खड़ा रहा। आई लिशन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपनी चारों साइड देखा, चारों ओर देखा। आई कुड नाइदर हियर और नोर सी एनीथिंग, ना तो मुझे कोई दिखा और ना ही कुछ सुना। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं थोड़ा और ऊंचे पर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप टू शोर, मैं नीचे घाटी पर भी गया, मतलब उसमें भी गया घाट पर, एंड डाउन टू द शोर, और नीचे भी गया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन ये अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, मुझे और कोई पैरों के निशान ही नहीं मिले वहाँ, बट डैट वन, लेकिन वही एक था। आई वेंट टू इट अगेन, मैं फिर उसके पास आया टू सी, उसे देखने के लिए, इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि वहाँ पे और भी कोई फुटप्रिंट हो, एंड टू टेल, और बताने के लिए, इफ इट, यदि हो, बिन माई इमेजिनेशन, कि मेरी अपने मतलब कि एक दिमाग की मतलब कि इमेजिनेशन थी, बट लेकिन आई वॉज नॉट मिस्टेकन, ये मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा था, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, बिल्कुल एक पैर का ही निशान था, बिल्कुल टॉय, उसमें अंगूठा भी था पैर का, हील, एड़ी भी थी, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, एक पैर का जितना हिस्सा उसमें होना चाहिए सब था। आई कुड नॉट इमेजिन, और मैं सोच नहीं पा रहा था हाउ इट केम देयर, ये यहाँ पे आया कैसे। आई स्टे ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैम यहाँ तो मैं बहुत समय से रह रहा हूँ, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन अब क्या है, मैं मतलब कि बहुत कन्फ्यूज पर कन्फ्यूज होता जा रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और अंत में मैं अपने घर की तरफ मतलब कि चला एकदम डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप, जैसे ही मैं दो तीन अपने तीन मतलब कि स्टेप चल रहा था, मैं मिस्टेकन एवरी बुश, हर झाड़ी मुझे ऐसी लग रही थी, एंड थ्री टू बी ए मैन, जैसे कि वो साइड में मेरे मतलब कोई आदमी हो। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा पर पहुंचा, विच आई कॉल्ड माई कैस्टल, जिसे मैं अपना मतलब कि छोटा घर कहता था, आई रेन इन साइड इट, मैं उसके अंदर भागा। एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड, आई डू नॉट रिमेंबर वट एवर आई यूज टू लैडर, जैसे ही मैं मतलब कि अपने मैंने बस उसको पकड़ा, वहाँ पर मैं पहुँचा, आई यूज टू लैडर, मैंने अपनी सीढ़ी का इस्तेमाल करा और पैन टू बाई एंड होल अप मैं अपने उसमें गुफा के जो केव थी उसकी जो गुफा थी उसके छेद भर मैं चला गया जल्दी से। रॉक जो पहाड़ी में उसने बनाई हुई थी, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं दरवाजा कहता था, आई रेन फॉर कवर, मैं जल्दी से भागा एकदम से बंद करने के लिए, फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मतलब जैसे कोई जानवर से भी ज़्यादा कोई तेज उस पर भाग कर आया हो। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं सका। द मोर आई थॉट, मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहा, दैट कुड बी वन ऑफ द सैवेज ऑफ ए मैनलैंड हु इज द वंडर्ड आउट टू सी इन ए स्मॉल बोट, मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पे कोई ऐसा जंगली व्यक्ति रहता है जो मतलब कि वो वहाँ पे मतलब कि आता है, वो घूमने आता है उस समुद्र पर, उन्हें स्मॉल बोट उस छोटी बोट पर, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर एट दैट टाइम, मेरा भाग्य है उस समय मैं वहाँ पर नहीं था उसके पास, बट वट, लेकिन क्या, इफ़ ही हैड सीन माई बोट, यदि उसने मेरी नाव देख ली हो, इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड, यदि वो मेरी बोट देख लेगा तो उसे उसे लगेगा कि दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, इस पे जरूर कोई ना कोई रहता है, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर टू किल एंड ईट मी, फिर जरूर वो दूसरों के साथ आएगा और मुझे मार कर खा जाएगा।
एंड सो आई लेव यूर फूल, इसीलिए मैं रात भर मैं मतलब कि डर के मारे पड़ा रहा फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, एंड प्रे फॉर द प्रोटेक्शन, और अपने जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मैं मतलब कि प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो, जब मैं ऐसा कर रहा था, आई वॉज मस्ट कंफर्टेड, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा फील कर रहा था, एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन मैंने मैंने मतलब कि कोशिश करी कि मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पर पता करके आऊँगा, बट इवन नाउ, लेकिन इस बार भी आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही मैं आगे गया, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं अपने पीछे बार बार देख रहा था एकदम, जैसे कोई पीछे आ तो नहीं गया, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि अब भी मैं बहुत डरा हुआ था। हाउ एवर, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 और 3 डेज, जैसे कि मैं वहाँ पे गया 2-3 दिन बाद, एंड शॉ नथिंग, मैंने वो कुछ नहीं देखा, आई बिकम ए लिटिल बोल्डर, अब मैं थोड़ा सा मेरे अंदर मतलब साहस आ गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन, मैंने डिसाइड करा मैं नीचे जाऊँगा टू शो द श्योर अगेन, मतलब वापस उस वहाँ पर घाट पर जाऊँगा और उसको देखूँगा, एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट, और उन फुटप्रिंट्स को जो पैर के निशान है मैं उनको अच्छे से देखूँगा वंस मोर, एक बार फिर। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट, मैं उसको मतलब की कोशिश करी कि मैं उसको अपने पाँव से इट विद माई ओन ओन फुट मार्क, मतलब कि अपने पाँव के निशान से उसको मैं चेक करूँगा। एज आई केम क्लोजर टू फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उसके बिल्कुल पास गया, आई रियलाइज, मैंने महसूस करा दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, मैं तो बहुत लंबे समय से यहाँ नहीं आया था। सेकेंडली, दूसरी बात हो तो, एज आई प्लेस्ड माई फुट, जैसे ही मैंने उसमें अपना वो अपना पैर उसके उस पैर में रखा जो रेत पर बना हुआ था, अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन, मेरे पैर से तो वो बहुत बड़ा नजर आ रहा था। माई फ्यूर रिटर्न, मैं एकदम फिर डर गया, आई वेंट होम अगेन, फिर मैं घर को वापस आया, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, ये विश्वास करते हुए कि वहाँ कोई ना कोई है। द आइलैंड वाज इन इनहैबिटेड, मतलब कि जो जो आइलैंड है अब वो सुरक्षित नहीं है, या फिर एक प्रकार से दूसरों के द्वारा घेर लिया गया है। तो ये जो अडेप्ट किया गया है डैनियल डेफोल रोबिन्सन क्रूसो चैप्टर से, तो इसके वर्ड मीनिंग आप देख लीजिए। तो सैवेज, सैवेज कोई भी जंगली व्यक्ति होता है, मैनलैंड कोई एक जगह होती है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जगह, वंडर मतलब एक जगह से दूसरी जगह बिना मतलब भटकते रहना, बोल्डर अपने अंदर साहस लाना, और इनहैबिटेड मतलब उसको कब्जा करना, ठीक है ना, मतलब उसको किसी ने कब्जा कर लिया, लास्ट वाला सेंटेंस ना, द आइलैंड बॉर्न इनहैबिटेड, किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।